बच्चों, मैं सविता का आज आपको कक्षा बी ए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड में जो कि हमारी लास्ट एकांकी है, अंतिम एकांकी है, सबसे बड़ा आदमी एकांकी के बारे में कथानक एवं उसकी मूल संवेदना के बारे में जानेंगे। प्रसाद युग एवं प्रसादो युग के एकांकीकारों में भगवती चरण वर्मा का स्थान महत्वपूर्ण है। इनकी एकांकियों में सबसे बड़ा आदमी बहुत चर्चित एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का सुंदर चित्रण किया गया है। समाज में अनेक विचारधारा एवं मतवाद के लोग रहते हैं। राजनीतिक चेतना भी सब लोगों में एक जैसी नहीं होती है, इसलिए इस एकांकी में सबसे बड़ा आदमी को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। आज बच्चों, हम इसी एकांकी में के कथानक एवं मूल संवेदना के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा आदमी शीर्षक एकांकी में भगवती चरण वर्मा ने प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से उनकी विचारधारा एवं चिंतन क्षमता का व्यंग्यात्मक प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत एकांकी में जितने भी पात्र हैं, वह सब अपनी अपनी विचारधारा एवं बौद्धिक क्षमता से सबसे बड़े आदमी का नाम उल्लेख करते हैं। सभी पात्रों में रामेश्वर कुछ अलग प्रकार का पात्र है। वह सामाजिक राजनीतिक विचारधारा वाला पात्र न होकर एक उचक्का एवं धोखेबाज व्यक्ति है। इस कारण वह किसी राजनीतिक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। रामेश्वर बताता है कि मैं इस एकांकी में रामेश्वर, राधे, शंकर, अहमद प्रमुख पात्र हैं। सबसे बड़ा आदमी कौन है पर चर्चा चल रही है। उसने पहले लेलिन को सबसे बड़ा मानने का समर्थन किया, फिर गांधी जी को भगवान का अवतार बताया, फिर नेपोलियन को हीरो कहा, शैली को फरिश्ता बताया। इस प्रकार उस समय उसने वहाँ की उपस्थित सभी व्यक्तियों के मतों का समर्थन किया। इस बात पर उन सभी में रामेश्वर का परिचय जानना चाहा तो उसने कहा कि वह एक अजीब किस्म का कलाकार है। इसी प्रसंग में उसने स्वयं को सबसे बड़ा आदमी बताया तथा इस संबंध में उनकी कई विशेषताएं हैं, जिसमें उसे सब कुछ करने की क्षमता है। रामेश्वर ने बताया कि मैं सब कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ, ये ज़िंदगी है। मैं लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ और उसके बाद बात ना कोई जानता है ना कोई मान सकता है। इस तरह अपनी विशेषता बताते हुए रामेश्वर कहने लगा कि मैं कलाकार हूँ तथा सब कुछ करने की क्षमता रखता हूँ। इसी विशेषता से मैं सबसे बड़ा आदमी हुआ। रामेश्वर ने अपनी अनेक विशेषताएं बताई और परस्पर विपरीत एवं विरोधी होने के एक साथ किसी एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। इसी कारण जब राधे, शंकर आदि ने उससे उसका पेशा पूछना चाहा तो उसने बताया, मैं अजीब तरह का आदमी हूँ। लेकिन दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी अजीब तरीका हो। दुनिया में यह जरूरी है कि अजीब तरह का आदमी बना जाए, और जो अजीब तरह का आदमी नहीं बन सकता वह दुनिया में बढ़ ही नहीं सकता। इस तरह रामेश्वर ने अपने आप को सबसे बड़ा आदमी माना। रामेश्वर ने अपनी बात की यह दलील दी कि आप लोग जिन जिन लोगों को नाम ले रहे हैं सब अजीब तरह के आदमी थे ना, और आप लोग चूंकि अजीब तरह के आदमी नहीं हैं इसलिए इन लोगों की तारीफ करते हैं। इस तरह लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन एक बात जानता हूँ, बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय उसे वसूल कर सके। इस तरह रामेश्वर ने कहा, इन सभी बड़े लोगों ने दुनिया से वसूल ही किया, उसे कुछ नहीं दिया। मैं भी सबसे वसूल करता हूँ परंतु देता नहीं हूँ, अर्थात वसूल की गई या हड़प की गई वस्तु को वापस नहीं करता। इस तरह
कि उचक्केपन के कारण मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ। रामेश्वर ने अपने संबंध में बताया कि मैं बड़ा हूँ तथा इस योग्य हूँ कि बड़े लोग होते हैं वह सब मर गए, अर्थात इस समय जीवित नहीं है जबकि मैं जीवित हूँ। वह कहने लगा कि लेकिन मैं समझता हूँ कि वह सब मर गए, एक गांधी को छोड़कर और मर गया, वह समाप्त हो गया। बड़ा वह जो वसूल कर सके, रुपया, पैसा, दीन, ईमान, सब कुछ आदमी आपसे छीन सके, और जो मर गया वह कुछ वसूल नहीं कर सकता। आज उसकी कोई हस्ती नहीं है, उसका कोई नाम। इस प्रकार बच्चों इस एकांकी में यह बताया गया है कि सबसे बड़ा आदमी में व्यंग रूप से रामेश्वर प्रसाद को सबसे बड़ा आदमी बताया गया। वर्तमान काल में दूसरों को ठगने वाला, उचक्कापन दिखाने वाला, बुरा आचरण करने वाला, स्वयं को निर्लज से बड़ा कलाकार बताने वाला लोगों की कमी नहीं है। रामेश्वर को उसका प्रतिनिधि पात्र बताया गया है, जो कि अनेक कारणों से स्वयं को ही सबसे बड़ा सिद्ध करता है। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में और मैं इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगी।